सचिव भारजी ने प्रकाश से जवाब देवे के आगे पाव मत धर दीजे री बोर बचेरी थाने करू रूपनाथ की आण के थाने आशापुरी देवी की आने बोर बच्चेरी घोड़ी महाबली भुणाजी महाराज देवे एड की भवानी के कूदे नोनो हाथ बाबा भाड़ जी की कार के थोड़ी सी खुरी टूच टच हो जावे इतना में बोर बच्चेरी घोड़ी पांच पावंडा पीछे हट जावे मार मार महाबली भुणाजी महाराज कंकु वर्णी सा खाले बोर बच्चेरी घोड़ी की निकाल देवे घोड़ी आगे तो नहीं बढ़े पर पीछे हट भई जब भुणाजी महाराज की बोर बच्चेरी घोड़ी नोनो हाथ कूदबा लग जावे भाड़ जी को कार को छेद नहीं कर पावे जय हो। तो मेरी बेन भाई भाड़ जी कहीं दखा दूसरो जवाब घोड़ी ने देवे और कहीं बोर बच्चेरी घोड़ी सुने के क्यों नाचे री क्यों रुदन करे क्यों नाचे री क्यों ए कूदे री घोड़ी मारी क्यों नाचे क्यों कूदे ए री घोड़ी मारी री क्यों री जारी रणे कहे लो जे जी ओ
बोर बच्छेरी घोड़ी ने जवाब दूसरो छच्चू भाट जी देवे उहे नारद के उतार कि क्यों नाचे क्यों कूदेरी बोर की घोड़ी क्योहरी जारी रणका राव बरी पीठ से रण भारत में उतर की पेरण देने महारावत को शीश कटा दो लगा जो चौहान का वंश में दाग इतना कहता तो बाबा भड़जी तीखा बोल मारे घोड़ी के नेत्रों में नीर की धार बेबा लग जावे एक एक आंसू का वारा वारा वटका करे और कहीं तो बाबा भट्ट ने जवाब आकाशवाणी में देवे और कहीं नारद के अवतार सुने कन्नी नाचुनी कूदुरे बाबा भाटे जी मांगारे ये हो ये बाबा काया नाचे काया रू नाचरी में नी लगाऊं सवई भोज के दागे कन्नी नाचुनी कूदुरे बाबा भाटे जी ये हो ए नी लगायो भोजा के दागे देव धर्म राज की जय हो। ये बुना जी की कथा ऐसी जोश से चले है ढीलापन से चाहना तो कोई दम नहीं है।
महाबली बुढ़ा जी महाराज की बोर बच्चेरी घोड़ी छचू भाट ने जवा देवे के नी नाचू नी कुदरे बाबा भाट जी नी रिजाऊ रण का राव। मैंने कद महारावत को शीश कटायो बाबा, महारावत ने तो इंद्रासन से आई जियमती धड़ से काट लेगी शीश। बड़गी बागड़ी वेरन पोच की बेखुंड के माये, जनका हो गया बेखुंड का वास और भोज की रति पे उपक्यो डाब को घास। मैंने कद महारावत को शीश कटायो बाबा, नी लगायो सवई भोज की ती का बोल मार तोड़ दुश्मन ने मार दे तोड़ दे राणा का बजर इमारे। छच्चू भाड़ जी महाबली भुणा जी महाराज के सग मुग जावेर कहीं टीका बोल दखा बोले और कहीं जो महारावत को लाल भुणो जी सुने के कैसी खोटी घड़ी में जन्म गयो रे बेरी भुणा। ये तू जन्म ता खा गयो माता बोरे बाप ये बापे जी उनी घड़ी में मर जा तो बेरी तो निया तो रहूं गड़ बेरिया की राने ए राने जी ए जी मारिया थी कई बोले कमर में ये हो ए जी मारिया थी का बोले भूणा जी के जन के पड़की बदन में आगे
लक्ष्मण अवतार भोला जी महाराज की। ये हो महाबली भोला जी महाराज ने छिछू भाड़ जी इस प्रकार से तीर का बोल बोले के कैसी खोटी कड़ी में जन्म क्यों रे बेरी भुना जन्मता खा क्यों मावर बाप उड़ी कड़ी में मर जा तो बेरी तो हुनिया तो गटबेरिया की राने। इतना केता महाबली भुना जी महाराज के पड़ गई बदन में आग और राता पड़ गया भुना का जड़ के आगे मूछा पे आवे। सवा मन की सांग भुणा जी घुमावा भाड़ जी के ऊपर संदूरो से लग जावे। जद बाबा भाड़ जी कहीं दूसरो जवाब भुणा जी ने देवे दखा देवे के छड़ छोटी पेरिया मोटी रे कवर भुणा जी भाना। ये हो छड़ छोटी पेरिया मोटी महरावत का लाल के छड़ छोटी पेरिया मोटी रे कमर भुणा जी ये हो एक काया गुमारियो से ले जी पवन जी मेवाड़ा नलखेड़ा वालों की तरफ से और 10 रुपए रामचंद्र जी भील मोतीपुरा 10 रुपए राजू जी मेवाड़ा मोतीपुरा 50 रुपए रामचंद्र जी कारीगर के सौपुत्र लवकुश की तरफ से श्री देव कथा पर अर्पण करते हैं और श्री देव जी महाराज उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए साधु के लाल की आवाज बड़ा हो हारमोनियम का आवाज बड़ा दो हारमोनियम देव नारायण भगवान की जय हो। महाबली भुणा जी महाराज इन प्रकाश से छुचू भाड़ जी जवाब देवे के छड़ छोटी पेरिया मोटी रे महारावत का लाल काया घुमायो संदूरियो पर देख भालो मत मार दीजे मेरी मत लगा जे कुल में दाग। मैं तो था को वंश को भाड़ जी बेरण था की राने। इतना केता भुणा जी के सिन सकते नहीं होवे मेरी बेन भाई भुणा जी समामन की सांग घुमावे सिंदूरियो सेल ऐच भला की देवे तो बाबा भाड़ जी भगवान श्री देव नारायण की झुल सामने कर देवे। झुल सामने करते ही बाबो भाड़ जी एक लीम को पेड़ बीच में प्रकट कर देवे। भुणा जी महाराज ऐच के भला की देवे तो सड़ा 3 पेरी पाताल लोग में उतार दे। जद भाड़ जी दूसरो जवाब कहीं देवेर कहीं महाबली भुणो जी सुने
सौ रुपए, सौ रुपए राय सिंह जी मार साहब की तरफ से,